आप लोग एक चीज ध्यान से सुनिएगा, मैं मानता हूं कि हर बच्चा पढ़ लिख करके आईएएस नहीं बन सकता है, लेकिन बगैर पढ़े कोई भी आईएएस नहीं बन सकता है। भारत माता की, भारत माता की, भागीदारी न्याय मोर्चा, भागीदारी न्याय मोर्चा, भागीदारी न्याय मोर्चा। अभी आप सभी लोगों से करना चाहूंगा, क्योंकि हमारा भागीदारी न्याय मोर्चा के नाम से ही आप लोग समझ गए होंगे कि भागीदारी न्याय मोर्चा करना क्या चाहता है। जैसे हमारे स्वर्गीय खंडसार साहब ने कहा कि आरक्षण में हम वर्गीकरण चाहते हैं, तो हमारे साथियों यह राजनीति में हमारा जब देश आजाद हुआ, लोकतंत्र संविधान कायम हुआ, तो कांग्रेस पार्टी का राज रहा। बहुत दिनों तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही, कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही, उसके बाद तमाम नेता, तमाम समाज के लोग संघर्षरत रहे और आपस में संघर्ष करते रहे, अपने हक अधिकार की बात करते रहे। तो इसी दौरान माननीय कांशीराम जी और तमाम बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों को लेकर के लोगों से मिलना चालू किए और पूछना चालू किए कि भाइयों क्या बात है, आप लोग बहुत हल्ला मचाए हो, बहुत मीटिंगें कर रहे हो, क्या दिक्कत है आप लोगों को, क्या चाहिए आप लोगों को, क्या परेशानी है। तो जनता जनार्दन ने कहा, लोगों ने कहा कि माननीय जी, ये जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं, ये सब हिस्सा खा जा रहे हैं, अपने लोगों को दे रहे हैं और जमीन तक गरीब तक हिस्सा आने नहीं दे रहे हैं, ये हमारी परेशानी है। तो बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने कहा, यह परेशानी से तो हम भी रूबरू हूं, इसका हम भी सामना कर रहा हूं, तब एक काम करो कि आप लोग हमारा साथ दो और हम लोग अब अपनी राजनीति की खेती करते हैं और राज कांग्रेस की राजनीति की खेती को छोड़ देते हैं और हम लोग अपनी राजनीति की खेती करते हैं, अपनी राजनीति की खेती में अपना हक हिस्सा लेंगे, अपना मान सम्मान सम्मान बढ़ाएंगे। तो पिछड़े पिछाड़े हुए लोगों ने कहा कि बात तो भाई ये लोग सही कह रहे हैं, तो चलिए इन्हीं के साथ मिल करके और राजनीति किया जाए। तो राजनीति शुरू हुई तो लोगों ने पूछा कि भाई अच्छा आप लोग बताओ कि हम आपके साथ राजनीति करेंगे, आपके साथ संघर्ष करेंगे, आपका झंडा डंडा लेकर के चलेंगे, आपके साथ कार्यक्रम करेंगे, तो हमें मिलेगा क्या। तो बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने कहा भाई पहले ही तय कर लो, हम राजनीति की ऐसी खेती करेंगे तो आपको क्या चाहिए, अब खेती के ऊपर वाला हिस्सा चाहिए या कि नीचे वाला हिस्सा चाहिए। तो लोगों ने कहा क्या नीचे जमीन में क्या होगा क्या नहीं क्या पता, लेकिन राजनीतिक खेती जो ऊपर होती है दिखती है उसके तो ऊपर वाला चाहिए। तो लोगों ने कहा बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने ठीक है काम करिए, झंडा डंडा जन जन तक पहुंचाइए, लोगों को बताइए और वोट दीजिए, पार्टी सत्ता में पहुंचेगी तो आपका हिस्सा देगी। तो राजनीतिक खेती में जब लोगों ने कहा ऊपर का हिस्सा चाहिए, तो राजनीतिक खेती रोपी आलू की खेती बहुजन समाज पार्टी लोगों के लोगों ने करवा दी। आलू की खेती हुई जब पार्टी वोट पड़ा, सत्ता में आई, सरकार बनी, तो जैसे आलू जमीन में होता है और उसका जो हमारे यहाँ गावा बोलते हैं पूर्वांचल में, जो हरा हरा होता है जानवर को खाने के काम आता है और किसी काम में नहीं आता, तो ऊपर का जो गावा रहा वो जनता को मिल गया, पिछड़े पिछड़े हुए लोगों को मिल गया।
और जो बहुजन समाज पार्टी के नेता जो विधायक बने थे, मंत्री बने थे, इन्हें नीचे का आलू मिल गया। वो आलू का समझ लीजिए, आलू की कीमत क्या है, गावा की कीमत क्या है, बहुजन समाज पार्टी के नेताओं के ठीके पट्टे आवास कॉलोनिया आई एस पी सी एस डीएम सारा पावर सत्ता बहुजन समाज पार्टी के लोगों के हाथ में आ गया और बाकी पिछड़े पिछड़े हुए लोगों को कुछ नहीं मिला। ये हुआ कि नहीं हुआ था? फिर उसके बाद लोगों ने बहुत जोर से हल्ला मचाया कि भाई हमें तो कुछ मिला नहीं, हमें तो गावा मिला, इन्हें तो आलू, और हमें तो फिर ठग लिया गया। यही चर्चा चल रही थी गांव देहात में जनता के बीच। फिर टहलते टहलते मान्यवर माननीय धरती पुत्र नेताजी मुलायम सिंह यादव जी आ गए। जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी गांव को ऐसे घूमने लगे, भैया रमेश निशा जी जैसे लोग मंच माइक पंडाल लगा करके सभा कर रहे थे, तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने पूछा, भाई क्या परेशानी है आप लोगों को, क्यों हल्ला मचाए हैं? तो बोले भाई हमारे साथ तो धोखा हुआ, बड़े उम्मीद के साथ हमने बहुजन समाज पार्टी का साथ दिया था, लेकिन हमें खेती तो हुई लेकिन फसल में हमें धोखा दे दिया गया। तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी यानी समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कहा कि आप लोग बहुजन समाज पार्टी का साथ छोड़ो, हमारे साथ आ जाओ, समाजवादी पार्टी का साथ दो, हम समाजवादी लोग हैं, सभी समाज का सम्मान करेंगे, सभी समाज को अधिकार देंगे, हमारे साथ राजनीति की खेती करो, हमारे समाजवादी पार्टी जुड़ो, समाजवाद की राजनीति करो, हम आपको हिस्सा देंगे। बोले भाई पहले ही बता दो पहले कि हम ठगे गए हैं, अब हम नीचे का कुछ नहीं लेंगे, जो दिखेगा हम वही लेंगे, अंधेरे में हम नहीं रहेंगे। तो बोले कि भाई क्या चाहिए, क्या ऊपर की हमें तो फसल चाहिए ताकि हमारे भी बेटा आई एस पी सी एस बन सके, डीएम बन सके, ठेका पट्टा मिले, उनके भी कॉलोनिया बने, उद्योगपति बने। बोले चलिए बढ़िया, आइए साथ में काम करिए। जो साथ में काम किए तो फिर समाजवादियों ने गेहूं की फसल तैयार करवा दी, मतलब फिर समाजवादी की सरकार बनी तो गेहूं की फसल समाजवादियों के हिस्से आ रही है और भूसा हम पिछड़े पिछड़े लोगों के हिस्से आ रहा है। फिर सरकार बनने वाला समाजवादियों को सारे ठीके पट्टे आवास विकास मिल रहा है, हमारे हाथ में भूसा है। फिर ऐसे से परेशान जनता थी, इतने में चलते चलते भारतीय जनता पार्टी के लोग आ गए, भाई तुम्हारा ओबीसी का सारा हिस्सा यादव खा गया, यही ना भारतीय जनता पार्टी चिल्ला गए थे। बोले क्या करना है, तुम लोग हमारा साथ दो, हमारा साथ दो, हमारी सरकार बनाओ, तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। फिर लोगों ने कहा भाई चलिए भाई हमें सब कुछ चाहिए, हमें ऊपर का भी चाहिए, नीचे का भी चाहिए, हम ऐसी खेती करेंगे। बोले ठीक है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ, ज्यादा हम अति पिछड़े अति वयस्क लोगों ने आंख बंद करके भारतीय जनता पार्टी को 2014 से वोट देते आ रहे हैं, देते आ रहे हैं कि नहीं देते आ रहे हैं? 2014 लोकसभा, 2017 विधानसभा, 2019 लोकसभा, 2022 विधानसभा, 2024 लोकसभा आग बंद के वोट दिए, लेकिन हुआ क्या, ऊपर की खेती के चक्कर में जोनरे की खेती करा दिए। जोनरे की खेती में ना ऊपर कोई फल लगता है ना नीचे, और बीच में जोनरे की बाल होती है, जोनरे की बाल लेकर भारतीय जनता पार्टी चले गए, सत्ता में जा रहे हैं, हम लोगों को किसी काम का कुछ भी नहीं मिला। सारी सुविधाएं, देश की सारी इकोनॉमी, सारे उद्योग धंधे, सारे बड़े बड़े ठेके पट्टे, सारा पैसा और पावर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास आ गया और हम सबको बेवकूफ बनाया गया। हुआ कि नहीं ऐसा हुआ? इसीलिए सब हमारे साथियों हम लोगों ने अब साझेदारी वाली खेती करना शुरू किया है। साझेदारी वाले खेती में देख रहे हैं ना भागीदारी न्याय मोर्चा, इसमें जो भी राजनीतिक फसल होगा, अगर आलू होगा तब वो, गेहूं हुआ तब वो, जोनरी हुआ तब वो, अगर 10 क्विंटल अगर दाना होता है
तो अभी पांच भाई है तो पांच तो दो दो कुंटल लेके भाई को दाना भी मिलेगा और जो बचा हुआ अगर गावा है भूसा है तो वह भी मिलेगा। इससे किसी के साथ धोखा होगा कि नहीं होगा? धोखा नहीं होगा। तो हम लोगों ने जो भागीदारी न्याय मोर्चा बनाया सही बनाया कि गलत बनाया है? तो आप लोग भागीदारी न्याय मोर्चा का साथ देंगे? अब दोबारा जब रमेश निशा जी आपके बीच में आएंगे बताए भैया कार्यक्रम में आपको आना है तो वहां आएंगे कि नहीं आएंगे? लेकिन अब आना ही नहीं पड़ेगा। खेती करने में उसकी जुताई निराई गुड़ाई बुआई सिंचाई में पैसा भी लगता लगता नहीं लगता है, है? इस राजनीति के खेती को भी उपजाऊ बनाने के लिए इसको सत्ता तक पहुंचाने के लिए यानी ऐसा मंच माइक और कुर्सी सजाने के लिए भी पैसा लगता लगता नहीं लगता है? तो आप लोगों को पैसा भी देना पड़ेगा जो भी हो 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए 100 रुपए। जब रमेश भैया आपके बीच में आएंगे दोबारा कहेंगे कार्यक्रम है पार्टी का तो आप लोग उनको पैसे से मदद करेंगे कि नहीं करेंगे? हाथ उठा कर समर्थन जोरदार एक बार तालियां। रमेश भैया बहुत बड़ी ताकत अपने समाज के लोगों के अंदर है। अरे यह तो वो समाज है कि न जाने कितनी पार्टियों को सत्ता में पहुंचा दिया नैया में बैठा करके भगवान राम को तो पार कराया ही कराया न जाने कितने नेताओं को भी नैया पार करा दिया। वह यह समाज है तो अपने भाई रमेश चंद्र निषाद जी की नैया यह समाज का है नहीं पार कराएगा भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। यह समाज जैसे हमारे केवट रामधनी बिंद जी ने बताया कि तीसरी कार्यक्रम तीसरी सभा भागीदारी न्याय मोर्चा की है तीसरी सभा है साथ ही साथ चौथा पंपलेट आप लोगों के बीच में बढ़ चुका है। 26 नवंबर को संविधान दिवस का कार्यक्रम बाड़ा जनपद में भागीदारी न्याय मोर्चा के तहत मनाया जा रहा। सम्मानित साथियों आप सभी सादर आमंत्रित है अपने और अपने साथियों के साथ आप पहुंच करके इस कार्यक्रम को विशाल रूप से सफल करके संविधान और लोकतंत्र के लिए सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम करिएगा सम्मानित साथियों। और माताओं बहनों हमारी प्यारी बच्चियां भी बैठी हैं, खास करके देखिए सरकार तो हम लोग बना लेंगे वोट से लेकिन सरकार चलाने के लिए भी तो हमारे पास IAS PCS होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो यह कौन होगा? जब आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे तभी तो IAS बनेंगे। आप लोग एक चीज ध्यान से सुनिएगा, मैं मानता हूं कि हर बच्चा पढ़ लिख करके IAS नहीं बन सकता है लेकिन बगैर पढ़े कोई भी IAS नहीं बन सकता है। इसलिए पढ़ाना पड़ेगा कि नहीं पढ़ाना पड़ेगा? जब आप उच्च से उच्च शिक्षा देंगे IAS बनेंगे PCS बनेंगे डॉक्टर बनेंगे इंजीनियर बनेंगे उद्योगपति बनेंगे बहुत काम है लेकिन बगैर पढ़े कुछ नहीं कर सकते। इसलिए बच्चों को आप अच्छे से समझ लीजिए। अभी नवरात्रि का समय अभी शुरू हुआ गया 9 दिन का व्रत रख के 9 दिन का व्रत रख के आप अगर कुछ चाहे कि हासिल कर ले डॉक्टर बन जाए इंजीनियर बन जाए IAS या PCS बन जाए मन्नत मानने से हम मनौती मान लिए हैं कि हम 10 दिन के नवरात्रि 9 दिन के व्रत रहेंगे तो कुछ बन पाएंगे? लेकिन आप यह संकल्प ले लें इस चीज का व्रत ले लें कि मैं अच्छे से अच्छे पढ़ाई करके दिन रात पढ़ाई करके हमें अच्छा रिजल्ट ला करके IAS PCS बनना है। अगर आप संकल्प ले लेंगे तो आज निकल बनेंगे कि नहीं बनेंगे? इसलिए आप एक रोटी कम खाने से आपका सेहत खराब नहीं होगा उल्टा सेहत बनेगा। लेकिन अपने बच्चों को पूरा का पूरा शिक्षा देने का काम सम्मान साथियों आप लोग करें। और एक चीज और करें, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग होता है। तो बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए सुबह सुबह
एक गिलास दूध देने का जरूर काम करें। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? लेकिन घर में अगर शाम को अगर एक गिलास का इस्तेमाल करके कोई आता है तो उसकी सेवा लठ से जरूर करिए आप लोग, क्योंकि जो एक गिलास का सेवन शाम को करने वाले लोग ये बहुत हानि पहुंचाते हैं। आर्थिक हानि तो पहुंचाते हैं, पैसे का तो नुकसान करते हैं और शारीरिक हानि भी पहुंचाते हैं। और शारीरिक हानि तो पहुंचाते हैं, साथ ही साथ सामाजिक सम्मान की भी हानि पहुंचाते हैं। होता कि नहीं होता है? और इससे फायदा केवल सरकार को होता है, गवर्नमेंट को होता है। इसलिए अपने भाइयों से मैं आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, वैसे हमारा विश्वास भी है, अक्सर जो सुबह में एक गिलास दो गिलास दूध पीने वाला व्यक्ति, अरे जो पहलवान होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, वो शाम को एक गिलास दारू नहीं पीते हैं। तो शाम का न पी करके सुबह का पिए और अपना, अपने परिवार, अपने समाज का भविष्य उज्ज्वल करें। ज्यादा भी समय नहीं लूंगा, चूंकि अभी हमारे रमेश निषाद जी हैं, ये भी आपको बताएंगे। और समाज साथियों, मुख्य लड़ाई हमारी है आरक्षण में वर्गीकरण। चूंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि आज 78 साल देश के आजाद होने के बाद भी ऐसे कई समाज के लोग हैं जो मुख्य धारा में नहीं आ पाए हैं, जिनके की एक भी बेटा आईएएस नहीं है, एक भी विधायक नहीं, एक भी सांसद नहीं, एक भी उद्योगपति नहीं है। तो क्या ऐसे समाज को मुख्य धारा में आने के लिए वर्गीकरण होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ऐसे समाज के लोग आगे आना चाहिए नहीं आगे आना चाहिए? सम्मानित साथियों, पिछड़े बच्चे शोषित समाज को, माताओं बहनों को आगे लाने के लिए ही संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में मजबूती के साथ आरक्षण की व्यवस्था की है। किए कि नहीं किए? लेकिन आज उसी आरक्षण से जब कुछ लोग आगे आ चुके हैं, मुख्य धारा में आ चुके हैं, जब मुख्यमंत्री बन चुके हैं, राष्ट्रपति बन चुके हैं, सांसद बन चुके हैं, विधायक बन चुके हैं, मंत्री बन चुके हैं, आईएएस बन चुके हैं, पीसीएस बन चुके हैं, ऐसे लोगों को, बच्चों को आरक्षण की जरूरत है? या जो उसी समाज का, उसी कैटेगरी का व्यक्ति जो आज भी मजदूरी कर रहा है, ऑटो चला रहा है, दिहाड़ी काम कर रहा है, मनरेगा का काम कर रहा है, ऐसे इनके बच्चों को आरक्षण की जरूरत है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, गरीबों गरीब के बच्चों को आरक्षण की जरूरत है या सुरक्षित सीट आरक्षण के सिर से विधायक और सांसद या मंत्री या आईएएस ऑफिसर बने हुए लोगों को बच्चों के आरक्षण की जरूरत है? लेकिन फिर भी वर्गीकरण जो आईएएस पीसीएस विधायक सांसद मंत्री बन चुके हैं, इनका हिस्सा छीनने का काम नहीं करेगा, उनका हिस्सा उनको मिलेगा। देखिए, अगर आरक्षण में वर्गीकरण होता है तो जिनके आईएएस पीसीएस और विधायक सांसद मंत्री हैं उनके बच्चे का भी आरक्षण रहेगा, वर्गीकरण होने से उनका आरक्षण खत्म नहीं होगा। लेकिन वर्गीकरण होने से जिनको अब तक हिस्सा नहीं मिल पाया है, जिनके समाज का एक भी विधायक, एक भी सांसद, एक भी डीएम नहीं है, ऐसे लोगों को वर्गीकरण से फायदा होगा। तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हम पूछता आप लोगों से, तो वर्गीकरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यही ओबीसी समाज का हाल है, 27% आरक्षण। सबसे पहले तो हमारा आरक्षण ही आधा है, 54% की जनसंख्या में 27% आरक्षण, और उसमें भी कुछ समाज के लोगों तक सीमित हो गया है और बाकी गरीब लोगों तक नहीं पहुंच पाया है। ते वर्गीकरण करके गरीब लोगों को आरक्षण मिले तो आप लोग इसका समर्थन करते कि नहीं करते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। इसीलिए हम लोगों ने भागीदारी न्याय मोर्चा बनाया है कि हम लोग आरक्षण में वर्गीकरण मिले, हमारे लोग भी आगे आए, और हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। इस वर्गीकरण के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने भी ओके किया